शुभ बच्चों, आज मैं आपको आपके सेक्शन डी का एक और व्याकरण टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लघु कथा। इस साल लघु कथा को जोड़ा गया है आपके सेक्शन डी में, आपके लिए नया टॉपिक है। लघु कथा का अर्थ होता क्या है? अभी तक आपने कहानी पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, लंबी चीजें पढ़ी। लघु मतलब होता है छोटा, कथा होता है कहने का तरीका। तो लघु कथा का अर्थ आपके लिए हुआ छोटे कहने के तरीके को लघु कथा कहा जाता है। तो इस तरह से किसी, जैसे आप कहानी लिखते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं, तो बड़ा बहुत 3-4 पेजेस का कहानी लिखते हैं, तो 3-4 पेजेस की कहानी में आप बहुत सारी चीजें बांध देते हैं। लघु कथा का टॉपिक एक किसी एक बिंदु को लेकर, एक किसी क्षण प्रतिक्षण को लेकर बनाया जाता है। जैसे किसी बड़े घटनाक्रम में से किसी विशेष क्षण को चुराकर यदि उस पर हाईलाइट की जाए तो वह लघु कथा के रूप में समझी और लिखी जाती है, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा, मैं आपको लघु कथा किसे कहते हैं, इसके क्या नियम है, पहले ये लिखाऊंगी, फिर उसके बाद एक लघु कथा बताऊंगी किस तरह से पेपर में आती है, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आप देखो लघु कथा की परिभाषा, ये सिर्फ समझने के लिए कि हमारे पास नया टॉपिक है तो लघु कथा होती कहती है। लघु कथा इसके बारे में क्या, लघु कथा का निर्माण लघु और कथा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? लघु और कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है, और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। किसी क्रम में से किसी विशेष क्षण को चुराकर, विशेष क्षण को चुराकर उसे हाईलाइट, करने का नाम लघु कथा है। समझ में आया? यदि आप, ये भी विधा है, एक जैसे गद्य और पद्य साहित्य की दो विधा है। पद्य में कविताएं होती है, कहानी कविताएं होती है, और कथा कथा कहानियां कविताएं होती है,
लोगों के द्वारा लिखी गई रचनाएं होती है बड़ी बड़ी, और इस पद्य गद्य में कथात्मकता, कथा कहानी को कहने के तरीके होते हैं। तो जिसमें आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, आप जितनी कल्पनाएं करते हो कल्पनाओं को लिखने के तरीके को विधा कहते हैं। तो इस तरह से गद्य भाषा की एक विधा है जिसका नाम है लघु कथा। तो बहुत बड़ी चीज को छोटे रूप में कहना, तो बहुत बड़े घटनाक्रम के किसी एक क्षण को चुरा कर उसके बारे में लिखना, उसके ऊपर हाईलाइट करना हुआ लघु कथा। लघु कथा को तीन चार, दो पैराग्राफ में, तीन पैराग्राफ में कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग को एक पैराग्राफ होता है, लघु कथा को दो तीन पैराग्राफ की आवश्यकता होती है। अब हम थोड़ा सा इस लघु कथा के नियम के नियम बताते हैं। लघु कथा के कौन कौन से नियम होते हैं, देखिए आप लघु कथा के नियम, लघु कथा लेखन के नियम, लघु कथा लेखन के नियम क्या क्या चीजों की इसमें आवश्यकता होती है, क्या नियम होते हैं, नंबर बताइए। लघु कथा हमेशा एक ही घटना पर केंद्रित हो, एक ही घटना पर केंद्रित हो। आप लोगों ने उपन्यास नॉवल पढ़े ना, बहुत मोटे मोटे होते हैं, कितनी घटना उसके अंदर होती है, कहानी में भी कोई ना कोई घटना लिखी जाती है, और इसमें सिर्फ एक घटना के बारे में बताया जाता है, एक ही घटना पर केंद्रित। दूसरी चीज इसमें है, इसमें बहुत सारे पात्रों की आवश्यकता नहीं होती, केवल दो या ज्यादा से ज्यादा तीन पात्र हो, इसमें दो और तीन पात्रों से ज्यादा ना हो, अर्थात पात्रों की संख्या लिमिट रखनी चाहिए, दो और तीन पात्रों के साथ अपनी बात को कहना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात इसमें है प्रसंग तथा चरित्र के अनुरूप, प्रसंग तथा चरित्र के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो, भाषा का प्रयोग होना चाहिए या हो, अर्थात जैसा हम इसमें चरित्र डालते हैं, जो इंसान के बारे में, जैसे मैंने किसी माँ के बारे में लिखा है, तो माँ बनकर जब लिखूंगी तो माँ के अंदर मधुरता होती है, समझाने का तरीका होता है, तो वैसे ही भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। यदि कोई अनपढ़ आदमी के बारे में लिख रहे हैं और अनपढ़ आदमी सब्जी बेचने वाले के बारे में बता रहे, तो सब्जी वाला तो पूरा हिंदी शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलेगा, तो वह कैसी हिंदी बोलेगा, उस तरह की हिंदी का, हिंदी को लिखने का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रसंग और चरित्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग उचित तरीके से करना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग क्यों करना चाहिए। यदि मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूं और मैंने विराम चिन्हों का प्रयोग गलत किया है तो अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा क्या उसने ये काम कर लिया, ये तो हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या उसने ये काम कर लिया, क्या उसने ये काम कर लिया, तो ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह होने। तो इस तरह से विराम चिन्हों को तरीके से प्रयोग में लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पात्रों के नाम, पात्रों के नाम ऐसे रखे जाएं, पात्रों के नाम ऐसे रखे जाएं कि चरित्र के अनुकूल हो, चरित्र के अनुकूल पात्रों के नाम रखने से रोचकता आती है। जैसा पात्र आप लिख रहे हैं उसी के अनुकूल यदि आप किसी का नाम लिखते हैं तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट लगता है, रीडर को मजा आता है। नेक्स्ट लिखे भाषा आकर्षक हो और मुहावरे, एक दो मुहावरा होगा तो 101% प्रयोग होना चाहिए, मुहावरे
अंत हो। जब आप कथा लिखते हैं तो कथा लिखने में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ शिक्षा उसमें हो या कोई संदेश नहीं हो, तो ऐसा कोई तो काम हो जिससे पाठक सोचने लगे कि ये बाकी में लघु कथा पढ़कर मैं हमने क्या सोचा। जैसे मैं एक आपको छोटी सी लघु कथा सुनाती हूँ, जैसे किस लेखक की मुझे याद तो नहीं लेकिन एक लघु कथा के रूप में सुनाती हूँ। एक गांव में शादी हो रही थी और शादी के दौरान जब शादी हो गई उसके बाद भोजन का प्रोग्राम था। भोजन में जब सब लोग खाना खाते हैं, वर पक्ष के लोग जो दूल्हे वाले लोग होते जब खाना खाते हैं तो दुल्हन पक्ष के जो लोग होते हैं वो गाना गाते हैं। उन गाने में गालियों का प्रयोग किया जाता है और गालियों का प्रयोग करते हुए उन गालियों में एक दूसरे के साथ संबंधों को जोड़ा जाता है, लेकिन उनको सुनते हुए सब लोग हंसते हैं, यहीं तक गालियों की सीमा होती है। तो वो जो गालियां दी जाती है उनको कहीं कोई अदर वे में नहीं लेता, बस मजाक के तौर पर गालियां औरतें गा के बैठती है और सब लोग आनंद के साथ भोजन करते। तो एक ग्राम के अंदर जब शादी थी, लोगों की बारात आई, आने के बाद शादी हो गई, भोजन हो रहा था तो कोई भी गाना नहीं गा रहा था, गालियां ही बक रहे थे। तो एक समाज सुधारक को लगा, अरे वाह कितना अच्छा, वहां पर पढ़ा लिखा है, यहाँ लोग गालियां नहीं गा रहे, कितनी अच्छी समझदार बात है। तो उस ग्राम सेवक ने, वो ग्राम जो सेवक था उसने, या जो समाज सेवक था उसने पूछा कि भैया तुम्हारा गांव तो बहुत विकसित हो गया, यहाँ पर लोग गालियां नहीं बोल रहे। तो उस ग्रामीण ने जिससे उसने पूछा उसने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया, भैया पहले के जमाने में या इससे पहले जब हमारे गाँव में शादियां होती थी तो वधु पक्ष को गालियां देकर भोजन कराता था और यही की बात यही समाप्त हो जाती थी, दिल पर कोई नहीं लेता था। लेकिन आज हर घर में, हर मोहल्ले में, हर ग्राम में, हर शहर में, घर घर में लोग एक दूसरे को गालियां बोलते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ जो संबंध हम यहाँ पर उल्टा पुलटा करके जो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उस संबंध को लोग ऐसे ही निभा रहे हैं। तो गालियां तो लोगों को घर में सालों हमेशा ही पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर हमने गाली बोलने की प्रथा बंद कर। समझ में आया? इस तरह से ग्रामीण ये हुई लघु कथा। अब जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आज हमारी सभ्यता कैसी हो गई है। आज सब लोगों ने अपने रिलेशनशिप खत्म कर दिए हैं, भाईचारा बंधुता की भावना खत्म कर दी, एक दूसरे के लिए गाली के रूप में हम सब खड़े हैं, किसका किसके साथ कैसा रिलेशन हो गया कुछ समझ में नहीं आता। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करे, ऐसा पाठ का अंत होना चाहिए, ठीक है, इसको लघु कथा। तो इस तरह से आपको इन लघु कथा के अंदर इन सब चीजों का होना आवश्यक है। एक उचित शीर्षक देना चाहिए, लघु कथा एक घटना पर होनी चाहिए, दो या तीन पात्र से ज्यादा नहीं होने चाहिए, प्रसंग चरित्र की भाषा के अनुकूल होना चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, पात्रों के नाम, क्योंकि ये हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर होता है, पात्रों के नाम ऐसे रखने चाहिए जो चरित्र के अनुकूल हो, और मुहावरों का संभव हो तो एक दो मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, और आखिर में कोई संदेश देना चाहिए या पाठक को मजबूर करते हुए अपनी कहानी का दी एंड करना चाहिए, ठीक है ना। और एक उचित शीर्षक होना आवश्यक है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक कहानी किस तरह से आती है इसको हम लिखेंगे, लघु कथा किस तरह से आपके पेपर में आएगी, क्योंकि इस बार लघु कथा को आपकी व्याकरण के साथ जोड़ा गया है, नया टॉपिक था आप लोगों के लिए, इसलिए हम लघु कथा के बारे में लिखेंगे, एक लघु कथा लिखेंगे और जो जो मैंने टॉपिक आपको बताया उसको मैं क्लियर करूंगी कि इसमें नियम हमने कैसे फॉलो किए, ठीक है ना। तो आपको फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे लघु कथा आएगी। अब लघु कथा लिखिए, पहले हम तो प्रश्न लिखिए, किस तरह से आपको प्रश्न आया और किस तरह से आपको उसको लिखना है, ओके। तो अब सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे, आपको कैसे प्रश्न आएगा लिखिए आप प्रश्न आपको जब प्रश्न आएगा तो किस तरह से आएगा लिखिए, निम्नलिखित प्रस्थान बिंदु, प्रस्थान बिंदु मतलब जो सामने दिए गए नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित संकेत बिंदु है ना, निम्नलिखित प्रस्थान बिंदु, निम्नलिखित
स्थान बिंदु के आधार पर शीर्षक सहित लघु कथा लिखिए। शीर्षक सहित भी नहीं आए तो आपको शीर्षक लिखना याद रखना है, ठीक है, लिखिए। अब प्रस्थान बिंदु में आपको क्या आएगा ये मैं लिखूंगी, आप पहले प्रश्न लिख लीजिए समझते हुए, लिख लिया। जैसे प्रश्न के लिए आपको प्रस्थान बिंदु के रूप में आएगा, मैं लिख देती हूँ, लिख दिया। सोना एक होनहार लड़की थी, माता पिता की चहेती आज्ञाकारी बेटी। विद्यालय में अध्यापक भी उसे बहुत प्यार करते थे। क्योंकि वह अपना हर काम समय पर पूरा करती थी। एक दिन सोना गया और बताया गया कि आपको इसके संदर्भ को आगे बढ़ाना है। सोना एक होनहार लड़की थी, होनहार मतलब समझदार, नाम क्या है सोना। माता पिता की चहेती और आज्ञाकारी बेटी, माता पिता उसे प्यार करते थे क्योंकि वह माँ की और पिता की आज्ञा मानती थी। विद्यालय में अध्यापक भी उसे बहुत प्यार करते थे। अध्यापक क्या काम करते हैं, जब बच्चे का सारा काम कंप्लीट रहता है, जब बच्चा आज्ञाकारी होता है, अनुशासन में रहता है, क्योंकि वह अपना हर काम, प्रत्येक काम, किसी भी संबंध में काम समय पर पूरा करता है। एक दिन सोना डॉट 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 डॉट। अब आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है, इस लघु कथा को पूरा लिखना है। तो अब इस लघु कथा को लिखने के लिए एक घटनाक्रम हमें पकड़ना पड़ेगा, एक घटना के आधार पर लिखिए और इसको शीर्षक देना। क्लियर, समझ में आया? तो जब आप कहानी लिखेंगे ऐसे आपका प्रश्न आएगा, आएगा प्रश्न, तो जब आपका प्रश्न आएगा ये बोर्ड पर आपके नोट आंसर शीट क्वेश्चन शीट पे पेपर आएगा, तो आप एरो बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे और यहां पर कहानी के लिए जगह छोड़ देंगे। एक आप क्योंकि आप सोचेंगे कि अब मैं क्या लिखूं,
नोटबुक में लिख लिया आंसर के रूप में, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको लिखा तो सोचा कि मैं क्या लिखूंगी, तो मैंने जैसे ही सोचा तो मेरे दिमाग में एक शीर्षक आया, मैं उसे बाद में लिख सकती हूँ, पहले भी लिख सकते हैं, हम शीर्षक बाद में लिखेंगे, पहले हम लघु कथा लिखेंगे, ठीक है ना। तो होना लड़की आज्ञाकारी बेटी है और स्कूल में भी शिक्षक उसे प्यार करते हैं। अब सोना के बारे में हम लिखेंगे, एक दिन सोना, अब इसको लिखेंगे पूरा, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखेंगे, एक दिन सोना की मित्रता, एक दिन सोना की मित्रता कक्षा की सुविधा से हो गई। सुविधा किसी बच्ची का नाम है, सुविधा से हो गई, आप लिख लीजिए फिर मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सुविधा के साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा, सुविधा के साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा। उसकी मित्रता, उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ती, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना, उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती गई। वह सुविधा के साथ सैर सपाटे पर भी जाने लगी, सैर सपाटा, सैर सपाटा मतलब होता है घूमना फिरना, सैर सपाटे पर जाने लगना, जाने लगी। धीरे धीरे उसका ध्यान, धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा, धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। माता पिता के समझाने पर, माता पिता के समझाने पर अब उसने, इसने सोना ने, अब उसने पलट कर जवाब देना भी शुरू कर दिया, सेकंड पैराग्राफ। देखते देखते चार महीने बीत गए, उसे पता ही नहीं चला वह इतनी खुश थी कि वह इतनी खुश थी कि उसे उसे बहुत अच्छी सहेली
मिल गई है। उसके साथ घूमना, फिरना, मौज मस्ती करना, उसके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, रोज की ही बात हो गई। रोज की ही बात हो गई थी। समय बीतता गया, परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई। अब सोना को होश आया, अब सोना को होश आया कि आप लिखिए, अब सोना को होश आया कि रिया बोले, अब सोना को होश आया कि उसने तो कई सारे तैयार भी नहीं किए हैं। पूर्व बोर्ड परीक्षा, पूर्व बोर्ड परीक्षा में वह पहली बार फेल हुई, असफल हुई, फेल हुई। वह रोने लगी, वह रोने लगी। माँ ने उसे समझाया, माँ ने उसे समझाया। सुबह का भूला, सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी तुम्हारे पास, अभी भी तुम्हारे पास एक महीना है, एक महीना है। दिन रात पढ़ाई में जुट जाओ, दिन रात पढ़ाई में जुट जाओ। उसने माँ को गले लगा लिया, उसने माँ को गले लगा लिया।
अच्छे अंक प्राप्त किए। आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझा देती हूँ। समझ में आ रहा है ना, राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखो, इस तरह से हमने एक टॉपिक को लेकर, एक घटना को लेकर कथा लिखी, लघु कथा लिखी। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हमने लिखा लघु कथा का नियम। अब हमने इसको पढ़ लिया, लिख लिया, तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका हम क्या टॉपिक, क्या शीर्षक रख सकते हैं। तो हम शीर्षक रखेंगे गलती का एहसास। गलती का अनुभव, गलती का एहसास लिखो, चाहे अनुभव लिख लो, एहसास। जब गलती का अनुभव, कोई भी आप अपने हिसाब से टॉपिक कहीं से भी दे सकते। लिखा लो, कहने के तरीके का जो कंटेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए।
संवाद लेखन जो किया जाता है, कम्युनिकेशन जो प्रभावी संवाद है पात्र के अनुकूल करना चाहिए, जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ। और कल्पनाशीलता का हमें उपयोग करना चाहिए। लास्ट में ऐसी ऐसी लघु कथा लिखनी चाहिए, कसावदार, कसी हुई, छोटी बातों में बहुत सारी बात कह देने को लघु कथा कहते हैं, कसावदार लिखनी चाहिए, जिससे आप जब आखिर में लिखें तो जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, उसमें रोचक, आपकी रोचकता को देखकर उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करे कि क्या मतलब इसका मतलब है। अंत में आपको संदेश देते हुए अपनी कथा का अंत करना चाहिए या उस जगह पर छोड़ना चाहिए जहां पर लेखक सोचने, जहां पर पाठक सोचने पर मजबूर हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैंने एक लिख के बताई, आप और भी प्रैक्टिस एक दो तीन चार टॉपिक लेकर अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से आपको